अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.6 से 2.10 तक सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन 2.6 में वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं तो एक न्यू वेक्टर जनरेट होता है जिसको सी कह रहा है वो, या फिर अगर मैं वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करूं और वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक न्यू वेक्टर जनरेट होता है जिसको डी कहते हैं। तो सी और डी की आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पार्ट वन को सॉल्व करते हैं जिसमें हम सी की मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ सी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आपको सी का वैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो सी वैक्टर है वो बराबर है ए प्लस बी के, जो ए है वो बराबर है 2i + 3j के, और जो b है वो बराबर है 3i - 4j के। तो 2 + 3 × i + 3 − 4 × j, तो 2 + 3 = 5i और 3 − 4 − 1 और साथ में j है तो j लिख दूंगा। तो वेक्टर c हमें मिल गया जो के बराबर है 5i − j के। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो i के साथ जो भी है उसका स्क्वायर लीजिए और j के साथ जो भी है उसका भी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लें आप। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 का 1 ही आएगा और इस तरह अंडर रूट 26 आंसर आएगा। 26 का जब मैं अंडर रूट लेता हूँ तो उसका आंसर आएगा 5.1। तो इस तरह हमें सी की मैग्नीट्यूड मिल जाती है जो कि 5.1 के बराबर है। तो एक हिस्सा हमारा हल हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर सी हमारा बराबर आया था 5i - j के। अब जो 5 है वो एक्स कंपोनेंट है, जो 1 है यहाँ पे -1 वो वाई कंपोनेंट है। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, जो y है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस टेबल से देखिए कि x कहाँ पे पॉजिटिव है और y कहाँ पे नेगेटिव है। तो इस केस में y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, यानी कि आपका जो वेक्टर है वो फोर्थ क्वार्टर में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वार्टर में आपका जो एंगल होता है, जो आपने थीटा c फाइंड आउट करना है, वो बराबर होता है 360 °−5 के। और फाई आपको पता है कि वो बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट ओवर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। टैन इनवर्स ऑफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट है -1, तो आपने माइनस नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिखना है। और जो एक्स कंपोनेंट है वो +5, तो सिर्फ 5 लिख दीजिए। तो अगर 1/5 करेंगे और उसका टैन इनवर्स लेंगे तो इसका आंसर आता है 11.3 °, ठीक है। अब फाई की वैल्यू आ गई, अब थीटा की वैल्यू मालूम कर लीजिए। तो उसके लिए 360 ° में से आपने 11.3 को माइनस कर देना है, तो इससे आपका आंसर आएगा 348.69 °। तो इस तरह आप सी वेक्टर का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बी पॉइंट की जानब। तो बी पॉइंट में उसने कहा था कि जो वेक्टर डी है वो बराबर है 3a - 2b। a हमारा बराबर था 2i + 3j के और b बराबर था 3i - 4j के, ठीक है। तो पहले 3a को फाइंड आउट करते हैं। 3a यानी कि a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2i + 3j, तो 3 × 2 = 6i और 3 × 3 = 9j, तो 3a की वैल्यू हमें मिल गई। बाकी रह गया 2b, तो 2b की वैल्यू मालूम कीजिए, तो b को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, b की वैल्यू है 3i - 4j, तो 2 × 3 = 6 − 2 = 8j। तो इस तरह आप 2b की वैल्यू पे भी फाइंड आउट कर लोगे। अब 3a - 2b कर दीजिए और ये बराबर है d के, तो वेक्टर d बराबर हो जाएगा 6i + 9j - 6i - 8j। तो ओपन कर दीजिए वेक्टर ई को अब, तो 6i
प्लस 9j माइनस 6i प्लस 8j, वेक्टर डी बराबर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0i प्लस 9 और 8 17j। अब मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है डी की, तो उसके लिए आपको आई के साथ जो है उसका स्क्वेयर लीजिए और 17 के साथ जो है उसका स्क्वेयर लीजिए और अंडर रूट ले लें। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 289 अंडर रूट, तो अंडर रूट 289 और अंडर रूट 289 बराबर होता है 17 के, तो डी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 17 के बराबर। अब हमने एंगल ऑफ डी फाइंड आउट करना है, तो जैसा कि आपको पता है कि डी वेक्टर बराबर है 0i प्लस 17j के, ठीक है। अब इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव हों तो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है, जो थीटा होगा वो फाई के ही बराबर होगा। अब हमने फाई मालूम करना है, तो फाई बराबर होता है टेन इनवर्स ऑफ डी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डी का एक्स कंपोनेंट। अब डी का जो वाई कंपोनेंट है वो बराबर है 17 के और जो डी का एक्स कंपोनेंट है वो 0 का, तो किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ रहा हो तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब 17 के नीचे 0 है तो ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। अगर आप कैलकुलेटर में भी 17 को 0 से डिवाइड करोगे तो मैथ एरर आता है, यानी कि इन्फिनिटी जवाब आता है इसका, और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस केस में जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 2.7 में वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, इनके दरमियान का आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर जब भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल मालूम करना हो और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन में सिर्फ दो वेक्टर्स ही दिए हों, तो फिर आपने डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। डॉट प्रोडक्ट का आपको पता ही है कि वो बराबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। हमारे पास वेक्टर ए भी है वेक्टर बी भी है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर ए से, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी रहेगा थीटा, तो ये हमने मालूम करना है, तो सिर्फ एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डॉट बी बराबर होगा 5i प्लस जे डॉट 2i प्लस 4j, ठीक है। अब 5i को पहले 2i प्लस 4j से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर j को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2i प्लस 4j के साथ, 5 2 10 इंटू आई डॉट आई हो जाएगा, 5 4 20 इंटू आई डॉट जे हो जाएगा, प्लस 2 1 2 इंटू जे डॉट आई हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू जे डॉट जे हो जाएगा, ठीक है। अब आई डॉट आई का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो बराबर आएगा आई की मैग्नीट्यूड के और फिर वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड के और साथ में कॉस थीटा। अब जो यूनियन वेक्टर्स जो कि सेम ही हो तो उनके उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 का होता है, तो आई की मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनियन वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है ना, इसलिए 1 लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लाई कॉस 0 भी 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 आता है हमारे पास, तो 10 इंटू 1। इसी तरह आई डॉट जे आपने अगर करना है तो आई की मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय जे की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों आई और जे हैं और आई और जे के दरमियान एंगल 90 करता है क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो कॉस 90 डिग्री आएगा। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आंसर भी 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह जे और आई भी परपेंडिकुलर हैं, कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 आता है, तो इनका भी आंसर 0 ही आएगा। तो जे और जे जो है उनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 1 और 1 इसका आंसर आएगा 1, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 4 तो 14 आएगा, तो ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया उसका आंसर आता है 14। बाकी रह गया ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर हमारा बराबर था 5i प्लस जे के, तो ए की मैग्नीट्यूड बराबर होगी 5 का स्क्वायर जो कि आई के साथ है उसका स्क्वायर ले लीजिए, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर लीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 और इसका आंसर आ जाएगा 5.1 के। तो बी की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर बी बराबर होता है 2i प्लस 4j के, तो
वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा 4 जमा 16 और अंडर रूट बीस बराबर होता है 4.47 के। तो इस तरह बी की मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास ए डॉट बी भी है, ए की मैग्नीट्यूड भी है, बी की मैग्नीट्यूड भी है, बाकी कॉस थीटा रह गया यानी कि थीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी 14 के बराबर था, ए की मैग्नीट्यूड 5.1 के बराबर है और बी की मैग्नीट्यूड 4.47 के बराबर है और कॉस थीटा साथ में आ जाएगा। अब 14 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 4.7, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो डिवाइड होंगे तो कॉस थीटा साथ में आएगा। अब मैं थीटा सिर्फ चाहिए तो इस कॉस को अगर मैं इस साइड पे लाऊंगा तो वो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 4.47, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये बराबर आएगा थीटा के। तो थीटा बराबर आ, जब आप इस सारी टर्म का कॉस इनवर्स लेंगे तो उसका आंसर आएगा 52.11 डिग्री। तो इस तरह आप दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आठवें सवाल में वो कहता है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसने फोर्स का वेक्टर आपको दे दिया है कि वो बराबर है 3i + 2j के। इसके बाद कहता है मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। कहता है कि आपके पास एक ये पॉइंट था और एक पॉइंट ये था, तो इस पॉइंट से लेके इसको आप R1 कह दीजिए और एक पॉइंट को आप R2 कर दीजिए। तो फोर्स का वेक्टर दे दिया गया है और फोर्स लगाई गई है किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए R1 से लेके R2 तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको मैं वेक्टर D से रिप्रेजेंट करूँगा। तो R1 यानी कि पॉइंट 1 का जो पोजिशन वैक्टर होगा वो बराबर होगा 2i, क्योंकि 2 जो है वो x कंपोनेंट है तो x कंपोनेंट के साथ हम i लगाते हैं और जो माइनस 1 है वो y कंपोनेंट है तो y कंपोनेंट के साथ हम j लगाते हैं। इसी तरह R2 बराबर है 6 और 4 के, ये x कंपोनेंट है जो 6, तो इसके साथ i लगाएंगे और जो 4 है वो y कंपोनेंट है इसलिए इसके साथ j लगाएंगे, ठीक है। तो R2 माइनस R1 बराबर होगा d के, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वर्क आपको पता है कि एफ डॉट डी के बराबर होता है, तो एफ तो हमारे पास है और डी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो आर टू लिखिए आप 6i + 4j - 2i - j, तो 6i + 4j - 2i + j, 6 - 2 4i और 4 + j 5j, तो वेक्टर डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने वर्क फाइंड आउट करना है तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के। आपके पास फोर्स का वेक्टर भी है और डी का वेक्टर भी है, तो जस्ट आप क्रॉस डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, एफ बराबर है आपका 3i + 2j के और डी बराबर है 4i + 5j के। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3i + 4i - 5j + 2j - 4i + 5j, 3 × 12 × i·i + 3 × 15 × i·j (2 × 8 × j·i) + 2 × 10 × j·j, ठीक है। अब आई और आई के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, तो cos 0 1 होता है तो इसका आंसर आएगा 1, तो इसीलिए जो 12 × 1 है वो 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और i·j का एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री अगर cos 90 करूँगा तो 0 आएगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह j·i के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और cos 90 0 होता है, तो अगर 0 है तो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। और j और j के दरमियान एंगल 0 का होता है क्योंकि पैरेलल हैं, तो cos 0 1 होता है और 1 जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो कि 1 है उसे मल्टीप्लाई होगा तो इनका जवाब भी 1 आएगा, तो 10 × 1 10, तो इस तरह वर्क आपके पास आ जाएगा 22।
तो 9 क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने शो करना है कि 3 वेक्टर्स हैं आपके पास। इसको मैं ए के बराबर कह देता हूँ, इसको मैं बी के बराबर कह देता हूँ और इसको मैं सी के बराबर कह देता हूँ। कि आपने प्रूव करना है कि ए और बी और सी जो हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा, अगर थीटा मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो ये सारी टर्म जो है ए डॉट बी, इसका आंसर आएगा जीरो। तो यानी कि अगर मैं ए डॉट बी करता हूँ उसका आंसर जीरो होता है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल जो है 90 डिग्री का है। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो उसका मतलब है कि वेक्टर्स जो हैं यानी कि ए और बी जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो सिर्फ आपने अप्रूव करना है कि आपका जो ए डॉट बी है या बी डॉट सी है या सी डॉट ए है वो जीरो के बराबर आए। अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो ये तीनों वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, ए डॉट बी ये बराबर होगा आई प्लस जे प्लस के के डॉट टू आई माइनस थ्री जे प्लस के के। अब आई को सबसे मल्टीप्लाई कर कीजिए पहले आप, तो आई इंटू टू आई माइनस थ्री जे प्लस के प्लस जे इंटू टू आई माइनस थ्री जे प्लस के प्लस के इंटू टू आई माइनस थ्री जे प्लस के, ठीक है। अब ये पहले आएगा टू इंटू आई डॉट आई माइनस थ्री इंटू आई डॉट जे इंटू आई डॉट के, ठीक है। इसी तरह जे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टू इंटू जे डॉट आई माइनस थ्री इंटू जे डॉट जे प्लस जे डॉट के प्लस टू इंटू के डॉट आई माइनस थ्री इंटू के डॉट जे प्लस के डॉट के। अब आई डॉट आई ये होता है 1 के बराबर, आई डॉट जे 0 के बराबर होता है, आई डॉट के भी 0 के बराबर होता है और जे डॉट आई भी 0 के बराबर होता है। जे डॉट जे ये 1 के बराबर होगा और जे डॉट के 0 के बराबर होता है, के डॉट आई 0 के बराबर होता है और के डॉट जे भी 0 के बराबर होता है और के डॉट के 1 के बराबर होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक में जाके देख सकते हो कि ये आई डॉट के जे डॉट के और आई डॉट के ये 0 कैसे आते हैं या फिर आई डॉट आई ये 1 कैसे आते हैं। मैंने यहाँ पे पहले एक सवाल हल करते हुए ये बताया भी है वैसे, लेकिन आप अगर इसको सही तरह से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक में जाके। तो यहाँ पे ए डॉट बी बराबर आएगा टू इंटू वन टू के माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री के और प्लस वन के, इसका आंसर आएगा टू प्लस थ्री थ्री माइनस थ्री और जीरो। अगर तो ये जीरो जो आप आ रहा है तो इसका मतलब है एंगल 90 डिग्री का है इन दोनों के दरमियान। अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ए डॉट बी का आंसर जीरो आता है तो हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो बी डॉट ए और ए डॉट बी ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ए डॉट बी जीरो के बराबर है तो बी डॉट ए भी जीरो के बराबर होगा। इसी तरह अब हम बी डॉट सी को फाइंड आउट करते हैं। बी बराबर है टू आई माइनस थ्री जे प्लस के डॉट फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के। इसको अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि दो चार आठ, आठ इंटू आई डॉट आई वो वन के बराबर होता है तो वन लिख रहा हूँ। इसके बाद दो ए दो और आई डॉट जे ये होता है जीरो प्लस दो और माइनस फाइव तो माइनस टेन और साथ में आई डॉट के जो कि जीरो के बराबर होता है। इसी तरह माइनस तीन चार बारह और जे डॉट जे वन होता है। इसके साथ माइनस थ्री इंटू यहाँ पे जीरो आना क्योंकि ये आई है और उसके बाद माइनस थ्री इंटू जे डॉट जे और वो वन के बराबर होगा। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस तीन पाँच पंद्रह और जे डॉट के जो कि जीरो के बराबर होता है। उसके बाद प्लस वन इंटू फोर फोर इंटू के डॉट आई जो कि जीरो के बराबर होता है प्लस वन इंटू वन इंटू के डॉट जे वो जीरो के बराबर आएगा माइनस फाइव इंटू के डॉट के वन के बराबर होता है। तो एट
-3 और -5, तो ये 8 -8 बन जाएगा और इसका आंसर भी 0 आएगा। तो एंगल 90 डिग्री का हुआ तो ये भी परपेंडिकुलर ही है। तो बी डॉट सी और सी डॉट बी ये दोनों बराबर होते हैं और इसका आंसर 0 होता है, तो ये भी 0 होगा, यानी कि सी और बी भी परपेंडिकुलर हैं। अब लास्ट आ गया सी डॉट ए। सी बराबर है 4i + j - 5k और ए बराबर है i + j + k। इसको भी डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, 4i (i) + j (k) + j (i) + j (k) -5k (i) + j (k). तो 4 (i) + 1 + 4 (i.j) - 1 + j (k) + j (i) + 1 + j(k) - 5 (k.i) - 5 (k.j) - -5 (k.j) - -5 (k.j) - 0 इस तरह 4 + 1 और -5, तो 5 - 5 जो कि 0 के बराबर है। तो सी डॉट ए भी 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि एंगल है 90 डिग्री का। तो ये दोनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो सी डॉट ए जो है वो बराबर होता है ए डॉट सी के भी, तो ये दोनों इक्वल हैं 0 के। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों वैक्टर से एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो 10वें सवाल में वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी फाइंड आउट करना है। तो इसकी सेंस कुछ इस तरह से कि वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी अगर आपका ये हो, ठीक है, तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे आपने मालूम करना है, जो कि ए कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने ए कॉस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ए का यहाँ पे जो साया पड़ा है ना इस जगह पे, वो बराबर है ए एक्स कंपोनेंट के, और ए एक्स को हम ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए। तो आप डॉट प्रोडक्ट में जाके मेरा लेक्चर दे सकते हो, तब तो आपको इसको सही तरह से समझ सकोगे। तो ए डॉट बी पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, तो पहले ए डॉट बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए है i - 2j + 3k और डॉट 3i + 0j - 4k। पहले i को सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर -2j को, और फिर +3k को। तो ये i 1 × 3 3 और i.i 1 के बराबर होता है। तो 1 × 0 0 और i.j भी 0 होता है। तो 1 × -4 - 4 और i.k 0 बराबर होता है। -6 और j.i 0 के बराबर, -0 और उसके बाद +8 j.k जो होगा वो बराबर होगा 0 के ही। इसके बाद +9 × k.i 0 होता है, +0 और -12 × k.k 1 होता है। तो ये बराबर आ जाएगा 3 - 12 के, 3 में से 12 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -9। तो ए डॉट बी बराबर होता है -9 के। तो हमने ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ अब बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमें यह तो मिल गया है ए डॉट बी। तो वैक्टर बी आपका बराबर है 3i - 4k के साथ, ठीक है। अब बी के मैग्नीट्यूड को आपने फाइंड आउट करना है, तो आई के साथ जो है उसका स्क्वायर लीजिए, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर लीजिए जो कि 0 है, तो और के साथ जो है उसका स्क्वायर ले लीजिए जो कि -4 है। यह आ जाएगा 9 + 16 जो कि बनता है √25, और √25 करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो बी की मैग्नीट्यूड आ जाती है 5। तो ए डॉट बी बराबर होता है b (a cos θ) के। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो बी को यहाँ से यहाँ पे लीजिए जो कि यहाँ आके राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड, तो a cos θ।
तो ए डॉट बी हमारा बराबर था माइनस 9 के, और बी की मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, तो ए कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा माइनस 9/5। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे लेक्चर से आपको क्वेश्चन नंबर 2.6 से 2.10 को सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।